आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूप्स के कुछ बहुत ही टेस्टी आइडियाज. कीप वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने का, शेयर करने का, लाइक करने का और उन पर कमेंट्स करने का. और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक ज़रूर कर लें प्लीज़, ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें. और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सूप्स के आइडियाज़, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है. हल्का हल्का सा जो है ना वो चेंज हो रहा है मौसम, और जब सर्दियाँ आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो दिल करता है ऐसे में गर्मा गर्म सूप पिया जाए. और सूप जो है उसको सिर्फ इंजॉय नहीं करते हम, बल्कि सूप हमारी बॉडी को बहुत वार्म भी रखता है सर्दियों के मौसम में. और ये जो आए दिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होते रहते हैं ना, उनसे भी काफ़ी हद तक हम महफूज रह सकते हैं. तो और सूप का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख है तो सूप को एज अ मील भी ले सकते हैं आप. थोड़ा सा थिक और रिच बनाएं सूप को, लेकिन अगर हल्की फुल्की भूख है तो फिर एज एन एपेटाइज़र भी लिया जा सकता है सूप को. सूप को वैसे ही इन्जॉय करें ज़रा लाइटर वर्जन में. तो देखिए आज मैं कौन से सूप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे. तो सबसे पहले बना लेते हैं हॉट एंड सार सूप, जिसके लिए मैं चिकन ले रही हूँ. 150 ग्राम्स छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है. और ये देखिए, और इसके अलावा मैं ड्राइड मशरूम्स ले रही हूँ. इसे एक घंटे के लिए सोक करना है. ये तकरीबन तीन चार ले लीजिएगा, पांच अपने हिसाब से, अगर छोटे हैं या बड़े हैं. एक घंटे के लिए सोक कर लेंगे तो इस तरह से फ्लफी हो जाते हैं पानी में. और इसके साथ ही एक अंडा लीजिएगा. अगर आप अंडा ना लेना चाहें तो अंडे को आप स्किप भी कर सकते हैं. ये स्प्रिंग अनियंस हैं, ये तकरीबन 1/4 कप लीजिएगा. ये कोरिएंडर है, ये भी 1/4 कप लीजिएगा. ये गाजर हैं, कैरेट्स, इसको मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं जूनियर स्टाइल से, 1/2 कप. ये 1/2 कप कैबेज है यानी बंद गोभी, इसको भी मैंने बिल्कुल फाइन जूलियन स्टाइल से काट लिया है. और ये है जिंजर यानी अदरक, इसको हम बिल्कुल कद्दूकश कर लेंगे. और ये है टोफू, ये अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा है. ये हॉट एंड सार सूप में बहुत टेस्टी लगता है, अगर ना मिले तो कोई मसला नहीं है. और ये है काली मिर्च, ये 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा. ब्राउन शुगर है 1/4 टीस्पून, ये इस तरह से. आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं अगर आपको ये ब्राउन शुगर ना मिले. और ये है सेसमी ऑयल, ये 1/2 टीस्पून चाहिए होगा हमें. इसके अलावा ये 4 टेबलस्पून्स डार्क सोया सॉस लिया है मैंने. डार्क सोया सॉस ना मिले तो आम सोया सॉस भी ले सकते हैं आप. और ये है 4 टेबलस्पून्स वाइट विनेगर. अब ये चिकन को हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे विद 1/2 टीस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च. और 1 टीस्पून हम सोया सॉस लेंगे इसके लिए. और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे. अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख दीजिए. इसके अलावा एक अलग प्याले में 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 4 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून शुगर. और इसके साथ 4 टीस्पून हम कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लेंगे. और अब इस टोफू के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए. और जिंजर को हम बिल्कुल कद्दूकश कर लेंगे इस तरह से. और मशरूम से पानी निकाल लेंगे इस तरह की तरह से निचोड़ के. और उसके जूलियन स्टाइल से इसे काट लीजिएगा. अब एक सॉस पैन में थोड़ा सा बटर ले लीजिए, उसमें आप जिंजर डाल दीजिए और ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया है इसे डाल दीजिए. इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ऐसा से सौते करना है ताकि ये टूटे भी ना और ये चिपक भी ना जाए. और फिर 4 ग्लास पानी शामिल कर लीजिए इसके अंदर, और ये मशरूम वाला जो पानी था वो भी शामिल कर लीजिए और ढक दीजिए. और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा. पानी को जब जोश आ जाए तो उसमें आप मशरूम्स डाल दीजिएगा. ये मशरूम्स जो है ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये चुई चुई से रहते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं. इसके बाद आप ढक दीजिए और ये स्टीम में थोड़ा सा पक जाएगा. तकरीबन 10 मिनट इसे पकने दीजिए. और अब आप इसको हिला लीजिए और ये जो कैरेट्स हैं ये डाल दीजिए, और कैबेज यानी बंद गोभी डाल दीजिए इसमें. और थोड़ा सा हिलाने के बाद 5 मिनट सिर्फ इसे रखिएगा स्टीम पर. सब्जियों को ज़्यादा गलाते नहीं है, ये क्रंची क्रंची सी रहती है, तभी सूप में बहुत मज़ा आता है.
और अब आखिर में टोफू डाल दीजिए। टोफू डालने के बाद हिलाना नहीं है वरना ये टोफू टूट सकता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था सोया सॉस और वाइट विनेगर वाला, वो इसे डाल दीजिए इसके अंदर। और अगर आपको सूप थिन लग रहा है तो एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च आप फिर से थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करके इसे, और आप इसे भी शामिल कर सकती हैं सूप के अंदर ताकि सूप थोड़ा थिक हो जाए। और ये बहुत मज़ेदार सूप बनता है। अब इस आखिर में अंडा इसमें डालेंगे, और अंडे को आप स्किप भी कर सकती हैं अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो। अंडे को डालने के बाद हिलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि वरना ये बिल्कुल झाग बन जाएगा। इसको थोड़ी देर के बाद हल्का सा चम्मच से थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये अंडा बड़े बड़े पीसेस में रहे, तभी सूप में मज़ा आएगा पीने में। इस सूप में आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल सकते हैं। और ये गर्मा गर्म हॉट एंड सार सूप रेडी हो गया है। लेकिन अब देखिए कि कौन सी चीज इस सूप को मजीद कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब हम सूप को सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड के साथ, जिसके लिए एक टीस्पून फाइन चॉप्ड गार्लिक ले लिया है मैंने, और एक टेबलस्पून बटर के साथ इसे मैंने थोड़ा सा ओरिगानो मिक्स करके थोड़ा सा सॉल्ट डालकर ये बटर बना लिया है, जिससे हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। और ये इस बटर को हम मिक्स कर लेंगे और होल व्हीट ब्रेड पर अच्छी तरह से इसे लगा लीजिए। इन ब्रेड्स को आप फ्राइंग पैन में भी टोस्ट बना सकती हैं, लेकिन मैंने टोस्टर में डाला है। और ये बहुत ही मज़ेदार से सूप के साथ, जिस पर आप थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और कोरिएंडर यानी हरा धनिया ये डाल दीजिए, इससे सूप बहुत अच्छा और टेस्टी हो जाता है। और आखिर में ये सेसमी ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है सूप के ऊपर, जो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इसको टेस्ट देगा हॉट एंड सार का। और ये अब तिल यानी सेसमी सीड्स में डाल रही हूँ। और अब ये मज़ेदार सा सूप आप सर्व करें गार्लिक ब्रेड के साथ, गार्लिक ब्रेड इसके टेस्ट को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। और अब आते हैं अपने दूसरे सूप की तरफ, जो है मिक्स वेजिटेबल सूप, जिसके लिए एक छोटी साइज का मैंने आलू ले लिया है आधा कप, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। इसके अलावा आधा कप मैं कैरेट्स ले रही हूँ यानी गाजर, इसको भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और यह है स्प्रिंग अनियन जिसका वाइट पार्ट है, ये 1/4 कप लिया है मैंने। ये मटर हैं ग्रीन पीस 1/2 कप। ये हैं भुट्टे यानी कॉर्न 1/2 कप। ये ब्रोकली है 1/2 कप। अगर आपको ब्रोकली ना मिले तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप कोई और वेजिटेबल यूज़ कर सकती हैं और इसे स्किप भी कर सकती हैं। और इसी तरह से ये शिमला मिर्च है 1/4 कप, इसको भी आप स्किप कर सकती हैं। ये मैंने कलर्स के लिए सिर्फ इसमें रंग लाने के लिए ऐड किया है। और ये है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, ये भी 1/4 कप है। और ये है ग्रीन बीन्स 1/4 कप, ये भी अगर आप स्किप करना चाहें आपको ना मिले तो कोई मसला नहीं, आप अपनी पसंद के कोई और वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं। और ये है 1/2 कप कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये सूप में बहुत क्रंची और बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये 1/2 कप के बराबर है कोरिएंडर यानी हरा धनिया, ये सूप के टेस्ट को बहुत एनहेंस करते हैं। ये है 2 टेबलस्पून्स लेमन जूस यानी लीमू का जूस, और ये 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक है यानी लहसुन, ये 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर यानी अदरक, गार्लिक या जिंजर यानी लहसुन या अदरक में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है चिकन क्यूब, ये आप एक ले लीजिएगा। अगर आपके पास चिकन ब्रॉथ यानी हड्डियों का जो सूप होता है वो अगर हो तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूप का, अगर नहीं तो फिर आप चिकन क्यूब डाल सकते हैं। अच्छा, ये 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, और ये 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ बटर यानी मक्खन, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूप्स में। अब इस बटर यानी मक्खन को सॉस पैन में डाल दीजिए और लहसुन डाल दीजिए, लहसुन ना डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हरी प्याज है स्प्रिंग अनियन जिसका सफ़ेद वाला पार्ट जो होता है वो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, इसको थोड़ा सा आप सौते कर लीजिए। आप इसमें आलू शामिल कर लीजिए क्योंकि हम सबसे पहले वो वेजिटेबल शामिल करेंगे जो ज़रा देर से गलती है, तो आलू ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो सबसे पहले मैं इसमें पोटैटो शामिल करूँगी। अब इसमें मैं कैरेट शामिल करूँगी क्योंकि कैरेट अगेन थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके बाद कॉलीफ्लावर और बीन्स
इस तरह से एक एक करके आप वेजिटेबल्स में डालते जाएं और हल्का सा इसको सौते कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका जो क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सब्जियों को क्रंची रहना चाहिए। अब 5 मिनट की स्टीम में पकने के बाद ये थोड़ी थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसमें मटर ऐड कर लीजिए। अब कॉर्न ऐड कर लीजिए और ये ब्रोकली है, शिमला मिर्च, इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आपस में ताकि वेजिटेबल्स एक दूसरे के टेस्ट के साथ बिल्कुल मिल जाएं। और इसमें फिर 4 ग्लासेस हम पानी के डालेंगे और इसके बाद आप इसको ढक दीजिए ताकि ये 10 मिनट तक पक जाए। और ये जब वेजिटेबल थोड़ी सी हल्की हल्की सी पकने लगेंगी तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा पानी। और ये आप देख रहे हैं पानी को, अब ये सब्जियाँ इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है लेकिन सब्जियाँ क्रंची हैं। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आप एक के बजाय 2 भी डाल सकती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपको कितना सॉल्टिश चाहिए ये सूप। और ये काली मिर्च। अब अगर आपको सूप ये थिन लगे तो कुछ लोग थिक सूप पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा पानी डालकर आप वो भी डाल सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा सूप थिक हो जाता है और ज़रा मज़े का लगता है। और आखिर में ये स्प्रिंग अनियन डालूंगी मैं, ये डिपेंड करता है आप सारा डाल सकती हैं आधा डाल सकती हैं। अच्छा, ये कोरिएंडर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। धनिया जो है, हरा धनिया, वो बहुत अच्छा लगता है सूप में। अब ये सूप ऑलमोस्ट रेडी है। ये गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप तो तैयार हो गया। अब देखिए इसको सर्व कैसे करना है। अब इस गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप को मैं सर्व करूंगी पोटैटो स्लिम्स के साथ। ये बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं सूप में, क्रंची क्रंची से। और ये गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड हो तो फिर हल्की हल्की ठंड में इस सूप को पीने का मज़ा डबल हो जाता है। अब आप इंजॉय कीजिए। इससे आप जो गाठिए होते हैं, जिसको हम निम्बू के जो नमक पारे होते हैं, उनके साथ भी हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है ये सूप। थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी के साथ अपनी चीज़ों को ट्राई किया करें, बहुत मज़े की लगेंगी। और अब तीसरा सूप मैं बनाने जा रही हूँ, जो है टोमेटो सूप, जिसके लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटो ले लिए हैं और 1 छोटी साइज़ का मैंने आलू ले लिया है। इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिया है उस पोटैटो को। और 1 छोटी सी साइज़ का मैंने अनियन ले लिया, उसको चॉप कर लिया है। ये 1 टीस्पून गार्लिक है, इसको भी मैंने बहुत छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और ये 1 हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये 1 टेबल स्पून बटर मैं इसमें लूँगी। और थोड़ा सा धनिया चाहिए होगा हमें गार्निश करने के लिए। अब ये जो टोमेटो है उसको हल्का सा इस तरह से आप कट लगाकर और इसे बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। पानी में सिर्फ 5 मिनट के लिए, इसकी स्किन उतारने के लिए हमें इसे बॉइलिंग वाटर में डालना पड़ेगा। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि स्किन जो है इसकी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये स्किन बहुत आराम से इसकी निकल आती है। इस तरह से स्किन उतार लीजिए इसकी टोमेटो की और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। अब एक पैन में बटर ले लीजिए और गार्लिक डाल दीजिए, हल्का सा सौते करने के बाद गार्लिक को। हम इसमें अनियन यानी प्याज ऐड करेंगे और प्याज को थोड़ा सा सौते कर लीजिए और फिर ये आलू ऐड कर लीजिए इसमें। अब आलू को हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो आलू का। और थोड़ा सा ढक दीजिए 5 मिनट तक ताकि ये आलू जो है ये थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल कर लीजिए और अगेन इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पर पकने दीजिए। अब ये अच्छी तरह से गल चुके हैं टमाटर आलू के साथ। अब इसके अंदर आप 2 ग्लास पानी शामिल कर लीजिए और काली मिर्च पाउडर, नमक। अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। तो ये मेरा मज़ेदार सा टैंगी फ्लेवर वाला टोमेटो सूप तो तैयार हो गया। अब देखिए मैं इसे प्रेजेंट कैसे कर रही हूँ। इसे प्रेजेंट करने से पहले हम क्रूटोन्स बनाएंगे, जिसके लिए एक होल व्हीट की स्लाइस ले ली है मैंने, उसके छोटे छोटे में पीसेस कर रही हूँ, क्यूब्स बना रही हूँ इसके।
अब इन क्रूटॉन्स को मैं फ्राइंग पैन में ज़रा टोस्ट करूँगी ताकि क्रंची हो जाएं। आप इसे अवन में भी रख सकती हैं। ये क्रूटॉन्स सूप में बहुत मज़ा देते हैं और बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं सूप में। अब इन क्रूटॉन्स को शामिल कर लीजिए अपने टोमेटो सूप में, थोड़ा सा ऊपर से कोरिएंडर डालिए, इसके टेस्ट को और इन्हेंस करेगा कोरिएंडर। और ये मज़ेदार सा सूप आप गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड के साथ प्रेजेंट कीजिए और इसका मज़ा लीजिए, हल्की हल्की ठंड में इंजॉय करें अपने सूप को। कुछ लोग टोमेटो सूप जो है वो क्रीम के साथ पसंद करते हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो बगैर क्रीम के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए कि इन तीनों सूप्स में से आप सबसे पहले कौन सा ट्राई करना चाहेंगे और सबसे ज़्यादा आपको कौन सा फेवरेट लगा। और मेरे पास तो तीनों का ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सबसे ट्राई करती हूँ और अपने गर्मा गर्म सूप का मज़ा लेती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये सूप्स आपको मज़े के लगे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा इसे भी क्लिक कर सकते हैं आप। और साथ ही इस बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है इसे भी देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी।